इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. इट्स योर बॉय अनिरुद्ध. इन टुडेज़ वीडियो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट वीडियो. आज की वीडियो में हम कुछ करने नहीं वाले, कोई मॉड नहीं कर रहे, किसी गाड़ी पे काम नहीं कर रहे. इन टुडेज़ वीडियो आई एक्चुअली वांट यू गाइस टू गेट अप टू द स्पीड, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ मॉड्स है कार पे और कुछ काम है ऐसे जो मैंने ऑफ कैमरा करवाए. देर वॉज अ फेज जहाँ पे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, सो आई वॉज क्वाइट बिजी अपने काम को लेके. तो देर वर टाइम्स आई वॉज not in the mood to actually record videos and I kind of regret, क्योंकि उनमें से कुछ मॉड्स थे जो एक्चुअली बहुत अच्छे थे और उन पर बहुत अच्छी वीडियोज़ बनती. बट nonetheless, तो आज की वीडियो में वही मॉड्स दिखाऊंगा जो मैंने किए. सो राइट नाउ वील गो टू द गराज जहाँ पर मैंने VRS पार्क कर रखी है, एंड वहाँ पे आई शो यू फर्स्टली VRS पे मैंने क्या क्या करवाया है, ऑल्सो उसके बाद पे सिविक पे मैंने क्या क्या काम किया है. लेट्स गो टू द गराज एंड देन लेट्स शो यू द VRS, क्योंकि एक्चुअली VRS को मैंने स्टार्ट किया भी ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया. सो लेट्स हियर द कोल्स स्टार्टअप. ऑलमोस्ट आफ्टर वीक कार इसलिए थोड़ा कम चलाना शुरू की है. फर्स्टली आई एंजॉय ड्राइविंग द सिविक एंड सेकेंडली दिस कार गिव्स मी लाइक 3 or 4 का एवरेज, 5 टॉप्स अगर मैं सिटी ड्राइविंग कर रहा हूँ. सो ये नाउ दिस कार इज अ गराज क्वीन. लेट्स टेक द कार आउट, रिवर्स कर लेते हैं कार को. हम सामने देखोगे देयर इज अ वेरी स्पेशल थिंग इनसाइड फॉर द सिविक. मे बी यू कैन जज बाय द साइज ऑफ द पैकेज कि उसके अंदर क्या हो सकता है, बट इट्स अ वेरी कूल पैकेज फॉर द सिविक. ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में था, बट आई एक्चुअली गॉट सच अ गुड डील, मैं वेट नहीं कर सका एंड आई एक्चुअली जस्ट वेंट अहेड एंड बॉट इट. सो हियर आर बोथ द कार्स. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई डिड ऑन द बैक साइड ऑफ दिस कार. अगर आप ये विंग देख रहे हो, आई विल शो यू. अगर तुम विंग देख रहे हो, इट लुक्स डिफरेंट, राइट? क्योंकि दिस इज़ नॉट Mark 1 VRS का विंग, दिस इज़ ऑफ अ Laura VRS. तो इसको थोड़ा कस्टम फिट करना पड़ा था यहाँ पे. ने बॉडी पे कुछ नहीं किया, जस्ट डिफरेंट होल्स ऑन द विंग, डिफरेंट माउंटिंग पॉइंट्स ऑन द विंग. सो एज यू कैन सी, इट लुक्स मोर अग्रेसिव कम्पेयर टू द स्टॉक Mark 1 VRS विंग. ऑल्सो अगर तुम नीचे देखोगे, सो आई यूज टू रन द स्टॉक टिप, बट स्टॉक टिप में एक चीज़ थी कि इट वॉज वेरी स्मॉल, तो इट वॉज एक्टिंग एज अ रिस्ट्रिक्शन. सो आई वेंट अहेड एंड बॉट दीज जेन्युइन कार्बन फाइबर एक्रा टिप. सो इसका जो इनलेट है इट्स 2.5, यहाँ पे इट स्प्लिट्स इनटू अ वाई एंड 2.5 इंच टिप. दिस इज हाउ इट लुक्स. पीछे से पूरा ब्लैक आउट हो गया. इट एक्चुअली सूट्स द कार प्लस. नाउ द कार ब्रीथ्स बेटर एंड इट शूट्स बिगर फ्लेम्स. पीछे के साइड हमारे 2 मॉड्स हो गए जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, एंड जो सबसे मेन मॉड था जिसके मैंने वीडियो नहीं बनाई थी एंड आई फील बैड अबाउट इट. मेरे पास एक खाली फ़ोन पे क्लिप है, आई शो यू ओवर हेयर. आई एक्चुअली गॉट द कार लोअर्ड. द कार इज राइट नाउ ऑन Cobra lowering springs, 35mm front, 35mm rears, and also custom struts. So they are a little more stiffer than the OEM struts. And it's not just 35. Front pe iski strut assembly pe ek there's a metal spacer that is around 1 inch. So hum wo remove karne se car now sits a little more even. नहीं तो Mark 1s में एक issue है कि it sits lower on the rears compared to the fronts. अगर अभी आप यहाँ से देखोगे, so it sits flush. फ्रंट पे भी इक्वल ड्रॉप है, रियर पे भी. एंड कमिंग टू द फ्रंट, अभी आप देख सकते हो कि हेडलाइट्स मिसिंग है. हेडलाइट्स पे एक्चुअली मैं एक मॉड कर रहा हूँ, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ. सो आई मॉडेड आउट द हेडलाइट्स. उसमें से एक हेडलाइट एक्चुअली गाड़ी के पीछे पड़ी है. आई गिव यू स्नीक पीक, दैट्स इट. इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो आ रही है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. टूवर्ड्स द इनसाइड, तो अंदर दिखाता हूँ. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ग्रेडी का इसमें बूस्ट केज इंस्टॉल किया था, बट आई
actually switched to a smaller boost cage now, and it's completely digital. Let me show you. So this is how it looks, and when it's off, it's completely blacked out. Rest of the interior is still the same. इंटीरियर पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खाली एक बूस्ट केज मैंने चेंज किया है, बट आई एम एक्चुअली प्लानिंग समथिंग ऑन द इनसाइड. मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ दोनों गाड़ी पे, मोस्टली ऑन सिविक. वीआरएस पे इतनी ज़रूरत नहीं है, बट सिविक बीइंग अ होंडा मेटल क्वालिटी इज अ लिटिल मोर फ्लिम्सी कम्पेयर टू द स्कॉडा. तो मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ साउंड डेडनिंग करने का. सिविक पे वो प्रायोरिटी पे, मे बी इवन ऑन वीआरएस मैं करवाऊंगा सिविक पे, बट इट विल बी अ कम्प्लीट जॉब. रूफ, डोर्स, डिक्की, एवरीथिंग विल बी साउंड डैम्पन्ड. ऑल्सो बिकॉज क्योंकि मैं दोनों पे म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ. ऑडियो सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज तक ज़्यादा टच नहीं किया है. मोस्टली मैंने स्पीकर्स प्लग इन प्ले इंस्टॉल किया है, एंड एक स्क्रीन इंस्टॉल की है अपने कार पे. सो आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल वर्किंग ऑन ऑडियो सिस्टम्स. तो वो मैं अपने आप को, अब मैं सिविक पे इतना काम सीख ही रहा हूँ, तो आई वाज लाइक मे बी इवन गो फॉर अ बेटर ऑडियो सिस्टम. मैं उसके बारे में रिसर्च करूँगा, आई लर्न मोर अबाउट इट, एंड मैं आप लोगों तक वो मैं कोशिश करूँगा वो मैं नॉलेज पास ऑन करने का. सो इस कार में मे बी आई विल अपग्रेड द फ्रंट कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि रियर्स वाले मैंने अपग्रेड किए थे इन द इंटीरियर वीडियो, एंड गेट अ कस्टम OEM प्लस काइंड ऑफ अ वूफर बॉक्स, एंड गेट एन एम्प एंड अ वूफर. सो इसका वो प्लान है, उस पर मोस्टली आई जस्ट गो फॉर कॉम्पोनेंट्स एंड एन एम्प. तो उसके ऊपर वो ऑब्वियसली डिटेल वीडियोज़ आएंगी. VRS पे अभी भी ऐसा है, कुछ मॉड्स बाकी. अगर आप लोग सोच रहे थे कि मैं VRS बेच रहा हूँ, नॉट राइट नाउ, फ्यू मॉड्स प्लान फॉर द VRS. सो या ऑल्सो मैंने अपने चीट्स कस्टम वाले पेज पे डाला था, ये जितने भी डोर सील्स है मेरे वाले में डैमेज थी. तो सो नाउ आई सेल अ किट फॉर 4200, उसमें सारे डोर्स आपके रिपेयर हो जाते हैं. यू गेट सेट ऑफ 4 डोर बीडिंग, इससे इंटीरियर नॉइज़ भी आपकी कम हो जाएगी. अगर पानी आपका बारिशों में यहाँ से आता है तो वो भी ठीक हो जाएगा. मेरी वाली तो काफ़ी बुरी हालत में थी, आई हैड रिपेयर्ड इट विद टेप एंड ऑल, बट नाउ इट लुक्स अमेजिंग. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मोर फन स्टफ. तो एज आई टोल्ड यू गाइज कि मैंने इस पर SH मॉड नहीं किया, बिकॉज इस पर तो मैं कम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन करने ही वाला हूँ YouTube पे. तो मोस्टली इट वॉज जस्ट टेस्ट पैचेस, इसे ट्राई करना चाहता था एक्चुअली वीडियो, कम्प्लीट डिटेल वीडियो बनाने से पहले वो मैंने ट्राई किया है. सो लेट मी शो यू द टू थिंग्स, एक्चुअली द थ्री थिंग्स आई हैव डन ऑन द इंटीरियर. तो इफ़ यू नोटिस बिहाइंड, दिस इज कम्प्लीटली ब्लैक. तो इंटीरियर मेरा इसके साथ अगेन प्लान है कि कार को मैं कम्प्लीटली ब्लैकआउट करने वाला हूँ. एंड इट्स गोइंग टू बी मोर वर्क कम्पेयर टू VRS, क्योंकि VRS में मोस्टली पहले से चीज़ें ब्लैक एंड ग्रे आती थी, तो इतना काम नहीं था. बट इसमें कम्प्लीट इंटीरियर, जस्ट लीविंग द कार्पेट इट्स क्रीम. सो इसको ब्लैक करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, एंड काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होने वाला है. सो जस्ट हाफ पार्ट ऑफ इट मैंने ट्राई किया था ब्लैकआउट करने को. सो दिस इज पेंटेड ब्लैक में, एंड अगर आप वो पिलर्स देख रहे हो, दिस इज सुएड. सो मेरा प्लान ये है, ABC पिलर से जितना भी ऊपर है, इट्स गोइंग टू बी ऑल स्वेड. सो दिस विल बी स्वेड, ऊपर स्वेड, बी पिलर स्वेड, ए पिलर स्वेड. ऊपर इनको मैं डाई करूँगा, यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बताया, ऊपर रूफ में स्वेड, एंड ये जितने भी बेजल्स वगैरह हैं इनको मैं ब्लैक पेंट करूँगा. एंड रेस्ट ऑफ इट डोर कार्ड्स हो गए, एंड हमारा जो डैश का हाफ पार्ट है वो हम करेंगे ब्लैक पेंट. एंड बाकी का जो सीट कवर एंड ऑल, ये जो कि सेम मटेरियल VRS पे, यूरोपा लेदर 5 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है, वो वाला मैं कराने वाला हूँ सीट पे. सो इट विल बी मोस्टली ब्लैक, जस्ट विद रेड हाईलाइट्स, वेरी सटल रेड हाईलाइट्स. कमिंग टू द फ्रंट, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, लेट मी शो यू. एज यू कैन सी ओवर देयर, दैट इज कार्बन, एंड दैट इज जेन्युइन कार्बन फाइबर. दिस इज कॉल्ड कार्बन फाइबर स्किनिंग. सो ये एक ऐसा स्किल था मैं सीखना चाहता था, एंड दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई ट्राई टू कार्बन स्किन. यू टेक एक्चुअल कार्बन फाइबर क्लॉथ एंड यू जस्ट स्किन ओवर द एग्जिस्टिंग प्लास्टिक ट्रिम्स जो आपके हैं, ट्रिम्स और मे बी इवन स्टेयरिंग व्हील को कार्बन में बनाने का. सो दैट वॉज द फर्स्ट टेस्ट पीस जो मैंने किया, एंड इट केम आउट एक्चुअली अमेजिंग. मैं आपको अभी पास से दिखाता हूँ. सो दैट इज़, सो बेसिकली कार्बन फाइबर हम ऊपर लगाते हैं, एंड उसके ऊपर हम रेजिन लगाते हैं. सो जो एक्चुअल कार्बन फाइबर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे हुड हो गए, रूफ होगी, वो भी इसी प्रोसेस से बनती है. जस्ट दैट वो मोल्ड में हम कार्बन फाइबर क्लॉथ को डालते हैं, उसको हम उस पर रेजिन लगाते हैं, देन हम वैक्यूम से एयर सक कर लेते हैं, देन इट बिकम्स अ पीस ऑफ इट्स ओन. मेरे पास ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो आई वील जस्ट गो फॉर स्मॉलर पीसेज. हम इंटीरियर में कार्बन फाइबर, जेन्युइन कार्बन फाइबर करेंगे, बिकॉज आई हेट फेक कार्बन फाइबर. आई डोंट पर्सनली प्रेफर फेक कार्बन फाइबर. जो डिप हम करते हैं, आइडो डिपिंग एंड ऑल, दैट्स नॉट माई सीन. एज यू कैन सी, वेरी गुड ग्लॉस, बहुत अच्छा ग्लॉस है इसमें. कार्बन फाइबर का वीव देखोगे, इट्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट.
क्योंकि इसमें बहुत चांसेस रहते हैं व्हेन यू आर लेइंग कार्बन फाइबर एंड आप उस पर जब रेजिन लगाओगे तो उसमें कार्बन फाइबर डिस्टॉर्ट हो जाते हैं. बट फॉर माई फर्स्ट टाइम इट एक्चुअली केम आउट वेरी गुड. मे बी आई विल ट्राई टू डू दिस स्टेयरिंग एंड मे बी दिस पार्ट इन जेन्युइन कार्बन फाइबर. वेरी सटल कार्बन फाइबर टचेस अराउंड द कार एंड एज आई सेड फुल ब्लैक आउट इंटीरियर रेड हाईलाइट्स एंड काफ़ी जो काम हुए दैट वॉज रिपेयर साइड ऑफ इट. सो लेट मी शो यू हमने क्या क्या कराया. ये रहा हमारा इंजन बे. तो इस पर हमारा काफ़ी एक्चुअली काम हुआ है. अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक रैट घुस गया था एंड उसने यहाँ पे पीछे काफ़ी वायर्स खा ली थी. टू नेम द फ्यू, उनमें से एक कॉयल पैक की वायरिंग थी एंड आई गेस एक क्रैंक सेंसर की वायरिंग थी उसमें से. तो चूहे ने काफ़ी नुकसान किया था मेरा. जो सबसे एक्सपेंसिव खर्चा हुआ था आई गेस वॉज ऑन द स्टेयरिंग साइड ऑफ इट. वेरी कॉमन इशू विद सिविक्स. जब मैंने ली थी आई वॉज एनीवेज एंटिसिपेटिंग कि ये खर्चा इन फ्यूचर आने वाला है. हमारे स्टेयरिंग फ्लूड का पंप है, मैंने उसको रिफर्बिश कराया, उसमें भी मेरा कुछ 4-5 हज़ार लगा था. एंड जो हमारा स्टेयरिंग रैक है दैट वॉज लीकी, उसको भी मैंने रिफर्बिश कराया विद न्यू सील्स, उसमें भी 5.5-6 हज़ार लगा था. नाउ इट फील्स एब्सोल्युटली न्यू एंड इसके बारे में आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ऑल्सो अ न्यू बैटरी. पीछे भी एक काम कराया था. लेट मी शो यू, लेट मी ओपन द डिक्की एंड आई शो यू मैंने क्या काम कराया था डिक्की में. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी इट्स फ्रेशली पेंटेड. क्योंकि मानसून में आई रियलाइज्ड देयर वाज वाटर कमिंग इन, तो यहाँ पे सील तो मैंने देखा, सील वाज डिसेंट, यहाँ से पानी नहीं आना चाहिए था. बट हमने जब यहाँ से सील उठाई वाज बेसिकली अ चंक ऑफ मेटल मिसिंग यहाँ से. सो द वाटर वाज सीपिंग इन नीचे से एंड ऑल्सो देर वॉज अ होल ओवर हेयर. सो यहाँ पे मैंने शीट मेटल से रिपेयर कराया, यहाँ पे एंड यहाँ पे. एज यू कैन सी ये जो सीम है मेटल की, ये दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली रीडन क्योंकि यहाँ से पूरा चंक मिसिंग था. तो ये हमने फिर से बनवा लिया. सो अभी कोई वाटर लीकेज का इशू नहीं है इसमें. फॉर मोस्ट ऑफ इट हमारा वीडियो हो गया ये कम्प्लीट. दोनों गाड़ियों के बारे में अपडेट कर दिया कि क्या चल रहा है अभी. फ्रॉम नाउ आई विल अवॉइड मिसिंग आउट वीडियोज. बस काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे बट नंदलेस मैंने आप लोग को इन चीज़ों पर अपडेट कर दिया है. अभी ऐसा नहीं है कि VRS पे वीडियोस नहीं आएंगी, खाली सिविक पे आएंगी, दोनों कार्स पे इक्वली वीडियोस आती रहेंगी. सो स्टे ट्यून्ड. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी ऑफ माय बिल्ड्स यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर यू. अगेन आई विल प्लग इन माय पेज. इफ यू हैव एनी नीड्स परफॉर्मेंस और स्पेयर्स हिट मी अप ऑन चीज कस्टम्स एंड वी विल गेट यू सॉर्टेड. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सैवेज.